हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन यूट्यूब क्लास ऑफ डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो वी स्टडीड हाउ टू चेंज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके स्टूडेंट्स, इन द टुडेज वीडियो स्टूडेंट्स we will study how to change imperative sentences into indirect speech. Okay students, let's start today's video. Students, in the imperative sentences we can see these types of sentences beginning with beginning with number one students, let us. Number two students, let. Number three students, beginning with verb. Number four students, sentence beginning with do not. Okay students, आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में चेंज करना जो कि रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस, लेट, वर्ब, डू नॉट आदि से स्टार्ट होते हैं। ओके, इन्हें चेंज करने के लिए किन नियमों की हमें आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स, आइए उन नियमों को हम जान लेते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं जिनसे कि हमें सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले नंबर पे है स्टूडेंट्स लेट अस, तो हम यहां पर डाल देते हैं स्टूडेंट्स लेट अस वाले पक्के, लेट अस वाले पक्के। इन्हें कैसे चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, यदि किसी सेंटेंस में स्टूडेंट्स रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस दिया है तो उसे कैसे चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस में सेड या सेड टू को स्टूडेंट्स सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, कंजंक्शन किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स दैट दे शुड और दैट वी शुड। ओके स्टूडेंट्स, जब हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय दैट दे शुड या दैट वी शुड कंजक्शन से वाक्य को जोड़ते हैं स्टूडेंट्स, तो लेट अस को हटा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, या इन सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए एक कंडीशन और होती है स्टूडेंट्स, यदि हमें वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में जो भी मेन वर्ब दी है उसको आईएनजी में चेंज करके भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाया जा सकता है। इसके दो मेथड हैं बनाने के, नंबर वन तो यही है सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करते हैं। ओके, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो स्टूडेंट्स डैट दे शुड या डैट बी शुड कंजक्शन से वाक्य को जोड़ लेते हैं। ओके, बात करते हैं स्टूडेंट्स वर्ब की आईएनजी
फॉर्म से भी वाक्य को वाक्य आईएनजी फॉर्म से भी वाक्य को इनडायरेक्ट बना लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं सेंटेंसेस को चेंज करने की। सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल, राम सेड टू श्याम, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा, राम सेड टू श्याम, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। ओके स्टूडेंट्स, इसे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, यहां देखिएगा, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से जो पहले वाला भाग होता है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग होता है स्टूडेंट्स, उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है स्टूडेंट्स? वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में ऑलवेज किससे स्टार्ट होता है? वर्ब से स्टार्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहां देखिएगा आप, इसमें कई टाइप्स के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, लेट अस, लेट, देन, सेंटेंसेस बिगनिंग विद वर्ब और डू नॉट वाले वाक्य भी आपको इसमें ही देखने को मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं चेंज करने की स्टूडेंट्स। राम सेड टू को बदलेंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा सेड या सेड टू को किसमें चेंज करना है? सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। ओके, तो हमने क्या लिखा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लिया अपना, सब्जेक्ट लिखने के बाद सेड टू को बदलेंगे किसमें? सेड टू को बदलेंगे सजेस्टेड में। ओके, राम सजेस्टेड श्याम। यहां तक कोई समस्या आपको चेंज करने में? आई थिंक यहां तक चेंज करने में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई समस्या नहीं होगी। सिंपल सी बात है, सबसे पहले सब्जेक्ट राम दे रखा है, सेट टू को बदला है स्टूडेंट्स सजेस्टेड में, यहां हमने देखो सजेस्टेड लिख दिया, दोनों में से हम कोई सा भी यूज कर सकते थे स्टूडेंट्स, है ना। ऑब्जेक्ट है अपना श्याम, यहाँ पे हमने स्टूडेंट श्याम लिख दिया, श्याम के बाद स्टूडेंट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, वाक्य को किससे जोड़ेंगे? या तो डैट दे सूट से जोड़ेंगे या डैट डी सूट से, किसी से भी हम सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। ओके, ये अपने पास च्वाइस है। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम लिखेंगे डैट दे शुड। ओके स्टूडेंट्स, डैट दे शुड हमने बताया था स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, डैट दे शुड या डैट बी शुड कंजक्शन से वाक्य को जोड़ेंगे, उसके बाद में सेंटेंस में जो लेटर्स दिया होगा उस लेटर्स को स्टूडेंट्स हमें क्या कर देना है? उस लेटर्स को हमें रिमूव कर देना है, यानी कि अलग कर देना है। अब स्टूडेंट्स क्या बचा, देखिएगा क्या बचा स्टूडेंट्स, वेट, यहाँ लिख दिया हमने वेट। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या बचा? फॉर द रिजल्ट, यहाँ लिख दिया हमने फॉर द रिजल्ट। बन गया स्टूडेंट्स अपना जो सेंटेंस था वो इनडायरेक्ट में चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं सामने ये जो सेंटेंस है ये
इनडायरेक्ट बन चुका है। ओके स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। सी सेड टू मी, लेट अस ड्रिंक द वाटर टुगेदर। सी सेड टू मी, लेट अस ड्रिंक द वाटर टुगेदर। ओके स्टूडेंट्स, इसको चेंज करना है स्टूडेंट्स। देखिएगा, सी सेड टू को बदलेंगे स्टूडेंट्स सजेस्टेड में। सी सजेस्टेड मी, ओके, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे स्टूडेंट्स। दैट दे शुड, क्या बचा स्टूडेंट्स? ड्रिंक द वाटर, ओके, टुगेदर। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट। माय फादर सेड टू मी, माय फादर सेड टू मी, लेट अस प्ले द गेम। ओके, इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे स्टूडेंट्स? माय फादर सेड टू को बदलेंगे स्टूडेंट्स सजेस्टेड मी। माय फादर सजेस्टेड मी दैट दे that they should play the game, that they should play the game। okay students, यहाँ देखिएगा, my father said to को change किया suggested में, me object था, ऐसे write कर दिया हमने, comma in bracket comma को हटाया, that they should। okay students, जब डैट दे सुड या डैट बी सुड कंजक्शन को यूज़ करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के लेटर्स को हम ऑटोमेटिकली हटा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या बचा? प्ले द गेम, प्ले द गेम। स्टूडेंट्स, हमने बताया था यदि हम डैट दे सुड या डैट बी सुड का यूज़ नहीं करते हैं तो सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब की आईएनजी फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म से भी सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। किसमें स्टूडेंट्स? इनडायरेक्ट स्पीच में। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म से सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा,
देखिएगा स्टूडेंट्स, अनुभव जी सेड टू रितेश जी, लेट अस सिंग अ सॉन्ग टुगेदर। ओके स्टूडेंट्स, इसको बदलेंगे, अनुभव जी सेड टू के स्थान पे स्टूडेंट्स सजेस्टेड लगा देंगे, सजेस्टेड रितेश जी, अनुभव जी सजेस्टेड रितेश जी। ओके स्टूडेंट्स, कॉमा इनवर्टेड कॉमा और लेटर्स को हटा देंगे। अब स्टूडेंट्स देखेंगे हम अपनी वर्ब कौन सी दे रखी है रिपोर्टेड स्पीच में, सिंग। तो स्टूडेंट्स सिंग की आईएनजी फॉर्म क्या होगी, सिंग से बन जाएगा सिंगिंग। अनुभव जी सजेस्टेड रितेश जी सिंगिंग अ सॉन्ग टुगेदर। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा अनुभव जी सजेस्टेड रितेश जी। ओके, यहां हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और लेटर्स को सबको हटा दिया। ओके स्टूडेंट्स, यहां हमने देखा सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब कौन सी, सिंग। तो सिंग में हमने क्या कर दिया, सिंगिंग आईएनजी फॉर्म में बदल दिया, सिंगिंग अ सॉन्ग टुगेदर। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आप आईएनजी फॉर्म के माध्यम से सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते हो तो स्टूडेंट्स आपको किसी भी कंजक्शन की आवश्यकता नहीं होती है सेंटेंस को चेंज करने में। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से आप समझ गए होंगे आईएनजी फॉर्म के माध्यम से सेंटेंस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं स्टूडेंट्स नंबर दो टॉपिक की, लेट वाले वाक्य। ओके, लेट वाले वाक्य कैसे बदलते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा स्टूडेंट्स, लेट वाले वाक्य इन्हें कैसे बदलते हैं स्टूडेंट्स, जिन सेंटेंसेस में रिपोर्टेड स्पीच में स्टूडेंट्स लेट दिया होगा। अभी तक हमने क्या सीखा था, लेटस वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में चेंज करना। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अब लेट के बाद सेंटेंस में आपको अस नहीं मिलेगा, लेट के बाद सेंटेंसेस में आपको क्या नहीं मिलेगा, अस नहीं मिलेगा। सेंटेंस में खाली रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, लेट, लेट मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि रिपोर्टेड स्पीच में लेट से स्टार्ट होते हैं, उनको कैसे चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, उनको चेंज करते समय said या said to को sense के sense के according। Ordered requested या advised में advised में बदलते हैं। Okay students, अब तक हमने जितने भी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया था तो हमने देखा था असर्टिव में कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर जो कंजक्शन यूज होता है वो डेट का यूज होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर जो कंजक्शन यूज होता है वो इफ या वेदर का यूज होता है। ओके, डब्ल्यू एच फैमिली वाले वाक्यों में डब्ल्यू एच वर्ड को ही कंजक्शन बना लेते हैं। लेटस वाले वाक्यों में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन डेट दे सुड या डेट बी सुड का यूज करते हैं। बट स्टूडेंट्स द सेंटेंस बिगनिंग विद लेट उसमें किस कंजक्शन का यूज करते हैं स्टूडेंट्स? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर किस कंजक्शन का यूज करते हैं स्टूडेंट्स? टू का यूज करते हैं। तो लेट वाले सेंटेंस स्टूडेंट्स जितने भी बनेंगे उन सभी सेंटेंसेस में टू कंजक्शन का यूज हमें करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है सेंस की। व्हाट इज सेंस? सेंस स्टूडेंट्स आप सभी जानते होंगे जितने भी लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें सेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में हमें सेंटेंसेस को चेंज करना होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स यदि बात की जाए, यदि किसी कॉलेज के प्रिंसिपल सर अपने प्यून से बात कर रहे हैं तो वहाँ क्या सेंस निकलेगा? प्रिंसिपल सर और प्यून के बीच में जो सेंस निकलेगा स्टूडेंट्स वो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का सेंस निकलेगा, सेकंड एडवाइस भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, यदि किसी सेना का नायक, सेना नायक अपनी सेना से बात कर रहा है स्टूडेंट्स तो सेंस फर्स्ट किसका निकलेगा? ऑर्डर का निकलेगा स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स यदि कोई डॉक्टर अपने पेशेंट से बात कर रहा है तो स्टूडेंट्स कौन सा सेंस निकलेगा? एडवाइज्ड का। ओके स्टूडेंट्स, डॉक्टर और पेशेंट के बीच जो कन्वर्सेशन सेंस है वो एडवाइज्ड का निकलेगा। ओके स्टूडेंट्स, यदि आप पेशेंट हैं और आप डॉक्टर से बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो आपका और डॉक्टर के बीच का जो कन्वर्सेशन होगा उसका सेंस स्टूडेंट्स कौन सा होगा? रिक्वेस्ट का सेंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, दो फ्रेंड आपस में बातचीत कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो एडवाइस भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, यदि माँ अपने बेटे से बात कर रही है स्टूडेंट्स तो वहाँ सेंस एडवाइस का भी हो सकता है, ऑर्डर का भी हो सकता है, रिक्वेस्ट का भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए हमें इन सेंटेंसेस को चेंज करते समय सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो भी सेंटेंस लिखा है स्टूडेंट्स उसका सही सेंस क्या निकल रहा है। यदि उसका सेंस ठीक है तब तो आपका सेंटेंस ठीक चेंज हो जाएगा। यदि आपने सेंस को ठीक से नहीं देखा है कि सेंटेंस में सेंस क्या निकल रहा है, आपने उल्टा सीधा कुछ भी चेंज करने में ऑर्डर रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड आपने लगा दिया तब आपके साथ समस्या होने वाली है। क्योंकि अगर गलत सेंस लगाओगे आप तो गलत सेंस के लिए आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए ऐसे जितने भी सेंटेंस होते हैं उनको चेंज करते समय सेंस का हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। ओके, अब सीखते हैं लेट वाले वाक्यों को बदलना। सेंटेंस स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स द डॉक्टर सेड टू राम लेट द पेशेंट स्लीप अनडिस्टर्ब्ड। ओके स्टूडेंट्स, द डॉक्टर सेड टू राम लेट द पेशेंट स्लीप अनडिस्टर्ब। इसे हमें बदलना है किसमें? इनडायरेक्ट में बदलना है। ओके,
तो यहाँ देखिएगा, द डॉक्टर सेड टू राम, डॉक्टर ने राम से कहा, क्या कहा, लेट द पेशेंट स्लीप अनडिस्टर्ब, मतलब पेशेंट को बिना किसी परेशानी के, बिना किसी परेशानी के सोने दीजिए, ओके। तो यहाँ देखिएगा, डॉक्टर का वैसे भी सेंस किससे निकल रहा है, राम से, डॉक्टर ने राम से कहा लेट द पेशेंट स्लीप अनडिस्टर्ब, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, द डॉक्टर सेड टू को स्टूडेंट्स किसमें चेंज कर देंगे, एडवाइज्ड में, ए डी वी आई एस ई डी, द डॉक्टर एडवाइज्ड राम, ओके स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आता है सभी के, देखिएगा सेड टू को चेंज किया एडवाइज में सेंस के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट अपना राम था स्टूडेंट्स, ओके। टू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हटाएंगे सेंटेंसेस को किस कंजक्शन से जोड़ेंगे स्टूडेंट्स, टू से, यहाँ हमने टू कंजक्शन राइट कर दिया, ओके। टू, टू के बाद में स्टूडेंट्स क्या आएगा, लेट, हम क्या करते थे लेटस वाले वाक्यों में लेटस को हटा देते थे, जबकि स्टूडेंट्स लेट वाले वाक्य जितने भी चेंज होंगे उन सभी वाक्यों में टू कंजक्शन यूज करने के बाद लेट का यूज डेफिनेटली होगा, यानी कि हमें सेंटेंस में से लेट को नहीं हटाना है, लेट का यूज हमें सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाने में यूज करना है, ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड, आई होप एवरीथिंग इज अंडरस्टैंड टू यू, ओके। टू लेट द पेशेंट स्लीप अनडिस्टर्ब्ड, ओके। देखिए, द डॉक्टर एडवाइज्ड राम टू लेट द पेशेंट स्लीप अनडिस्टर्ब्ड, बन गया सेंटेंस इनडायरेक्ट, समझ में आया सभी को, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, अगला सेंटेंस जिसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, अभी ये आगे बताएंगे स्टूडेंट्स सेंटेंस, अभी लेट वालों की बात चल रही है, प्लीज़ या काइंडली वाले सेंटेंस भी अभी आएंगे, वो भी आपको बताए जाएंगे, फिलहाल अभी लेट की बात करते हैं। सी सेड टू मी लेट मी गो नाउ, लेट मी गो नाउ, प्लीज, ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा इस सेंटेंस को चेंज करते हैं, सी स्टूडेंट्स, जब कभी भी सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में आपको प्लीज़ या काइंडली मिल जाए, तो प्लीज़ या काइंडली का जो सेंस होता है स्टूडेंट्स वो किसके अकॉर्डिंग होता है, रिक्वेस्टेड के, ओके। इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, यदि सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में आपको प्लीज़ या काइंडली वर्ड मिल जाए, तो आपका जो सेंस होगा वो डेफिनेटली स्टूडेंट्स कौन सा होगा, रिक्वेस्टेड का होगा। तो सी रिक्वेस्टेड मी, सी रिक्वेस्टेड मी, और टू से हमने सेंटेंस को जोड़ दिया, टू लेट मी को बदलेंगे स्टूडेंट्स, मी इज ए काइंड ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन,
और जितने भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें सभी को किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, सब्जेक्ट अपना क्या है? सी। तो मी को बदलेंगे सी में, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स सी वाली लाइन में नंबर थर्ड पे क्या लिखा होता है स्टूडेंट्स? हाउ लिखा होता है। ओके, आप सभी ने बताया था पिछली जो दोनों वीडियोस थी, असर्टिव सेंटेंस वाली और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वाली, आपने उन दोनों वीडियोस को बहुत ध्यान से देखा था और आपने बताया था कि सर आपने जितने भी हमें रूल्स नोट कराए थे या पीडीएफ के माध्यम से भेजे थे, हमने उन नियमों को बहुत अच्छे से याद कर लिया है। अब हमें सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाने में कोई भी समस्या कहीं भी नहीं आती है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके इतने अच्छे अच्छे रेस्पॉन्स मिले। वहीं मैंने ये भी देखा कि जितनी भी यूट्यूब की वीडियोस हैं उन्हें आप बहुत ध्यान से देखते हो और अपने कमेंट भी आप वहाँ पर शेयर करते हो। वो सभी जितने भी कमेंट आप शेयर करते हो यूट्यूब के माध्यम से, वो कमेंट जब मैं देखता हूँ कॉलेज में बैठ कर के, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो अपने स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से इस यूट्यूब ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद जितने भी टॉपिक होते हैं उन टॉपिक्स को ध्यान से देखते हैं और देखने के बाद जितना भी उस टॉपिक में बताया जाता है उस टॉपिक को सीखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं सेंटेंसेस की। सी रिक्वेस्टेड मी टू लेट, मी को बदला हमने स्टूडेंट्स सी में, हर आ गया गो, नाउ का हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या? देन, और वहाँ फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ या काइंडली आ जाए और उसका सेंस आप रिक्वेस्टेड लगा देते हो, तो कभी भी रिपोर्टेड स्पीच के प्लीज़ या काइंडली को फिर से राइट नहीं करते इनडायरेक्ट बनाते समय। ओके, अगले सेंटेंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अगला सेंटेंस है द टीचर सेड टू मी, लेट लेट द स्टूडेंट्स कंप्लीट द वर्क। ओके, द टीचर सेड टू मी लेट द स्टूडेंट्स कंप्लीट द वर्क। तो स्टूडेंट्स क्या सेंस निकल रहा है? द टीचर सेड टू मी लेट द स्टूडेंट्स कंप्लीट द वर्क। तो द टीचर यहां स्टूडेंट्स लेट द स्टूडेंट्स कंप्लीट द वर्क। ओके, यहां टीचर की बात किससे चल रही है? यहां टीचर की बात किससे चल रही है? स्टूडेंट से। तो यहां जो फर्स्ट सेंस निकलता है स्टूडेंट्स वो ऑर्डर का निकलता है, सेकंड सेंस जो निकलता है स्टूडेंट्स वो एडवाइस भी हो सकता है। ओके, तो यहां हम लगाएंगे द टीचर ऑर्डर्ड मी टू लेट द स्टूडेंट्स कंप्लीट द वर्क। ओके, ये तो थे कौन से सेंटेंसेस स्टूडेंट्स? लेट वाले वाक्य, लेट वाले वाक्यों को बदलना। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंसेस जो कि रिपोर्टेड स्पीच में किससे स्टार्ट होने वाले हैं,
वर्ब से स्टार्ट होने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो कि मुख्य पहचान करवाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। इनमें भी क्या होता है स्टूडेंट्स, वही सेंस सेड या सेड टू को ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या एडवाइज के अकॉर्डिंग हमें बदलना होता है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके टू कंजक्शन से वाक्य को जोड़ना होता है। ओके, आइए देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस को बदलना जो कि रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ओके, सेंटेंस है स्टूडेंट्स, देखिएगा, द टीचर सेड टू मी सिट डाउन एंड डू नॉट लुक आउटसाइड फ्रॉम द क्लास। इस सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ओके, कैसे बदलेंगे, द टीचर, देखेंगे स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा सिट डाउन एंड डू नॉट लुक आउटसाइड फ्रॉम द क्लास, बैठ जाइए और कक्षा से बाहर मत देखिए। ओके, तो टीचर और मी यानी कि मैं, दोनों के बीच कौन सा सेंस बना, ऑर्डर का सेंस बना। तो द टीचर ऑर्डर्ड मी, ओके, टू कंजक्शन से स्टूडेंट्स सेंटेंस को हमने जोड़ दिया टू, उसके बाद में देखें टू सिट डाउन एंड स्टूडेंट्स, यदि वाक्य में डू नॉट दिया होता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट बनाते समय हम डू नॉट का क्या कर देते हैं, नॉट टू। ओके, नॉट टू से वाक्य को जोड़ते हैं, नॉट टू लुक आउटसाइड फ्रॉम द क्लास। ओके, समझ में आ गया आपको। यहां देखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ स्टूडेंट्स, सिट, यानी कि सिट इज ए काइंड ऑफ वर्ब। ओके, वर्ब कौन कौन सी होती हैं, गो है, सिट है, टेक है, ईट है, प्ले है, कॉल है, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये सभी क्या कहलाती है, ये सभी वर्ब्स कहलाती हैं। ओके, तो यहाँ हमने देखो टीचर का सेंस इस सेंटेंसेस में, टीचर ने, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, यानी कि उसने जो भी कहा उसका सेंस किस पे निकला स्टूडेंट्स, ऑर्डर में निकला। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट डाउन एंड नॉट टू लुक आउटसाइड फ्रॉम द क्लास। ये सेंटेंस स्टूडेंट्स बन गया कौन सा, इनडायरेक्ट। ओके, अगले सेंटेंस को देखते हैं स्टूडेंट्स, अगला सेंटेंस,
देखिएगा अगला सेंटेंस, द प्रिंसिपल सेड टू मोहन गो अवे एट वंस एंड डू नॉट सी योर फेस अगेन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए प्रिंसिपल का जो संबंध है वो किससे, मोहन से। प्रिंसिपल ने मोहन से कहा, क्या कहा, गो अवे एट वंस, गो अवे एट वंस, तुरंत चले जाइए, एंड डू नॉट सी योर फेस अगेन, और फिर से अपना फेस मत दिखाइए। ओके स्टूडेंट्स, सेंस आपके समझ में आ ही गया होगा, द प्रिंसिपल सेड टू को बदलेंगे ऑर्डर्ड, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मोहन टू से स्टूडेंट्स सेंटेंस को प्लस कर दिया हमने, टू गो अवे एट वंस एंड यहां भी देखिएगा स्टूडेंट्स डू नॉट सेंटेंस में आया है तो क्या कर देंगे हम, नॉट टू। ओके नॉट टू सी योर को बदलेंगे स्टूडेंट्स। ओके ऑब्जेक्ट अपना क्या है स्टूडेंट्स, मोहन, योर को बदलेंगे मोहन में, यानी कि मोहन ही है, तो यू के बाद आता है योर, योर इज ए काइंड ऑफ सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट्स, जितने भी सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं उन्हें हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स अपना ही। ओके तो योर को बदलेंगे स्टूडेंट्स ही में, तो सेकेंड नंबर पे ही के बाद क्या आता है, हिज, यू के बाद योर और ही के बाद हिज, योर को बदलेंगे ही में तो क्या आएगा, हिज फेस अगेन। ओके द प्रिंसिपल सेट टू को चेंज किया सेंस के अकॉर्डिंग, ऑर्डर मोहन टू कंजक्शन से सेंटेंस को प्लस किया, टू गो अवे एट वंस एंड डू नॉट, यदि सेंटेंस में होगा तो किस में चेंज कर देते, नॉट टू में, नॉट टू सी योर को बदलेंगे मोहन में। ओके स्टूडेंट्स, हिज हिज आ गया, क्या बचा, फेस अगेन, फेस अगेन। नेक्स्ट द डॉक्टर सेड टू, द डॉक्टर सेड टू शीला टेक दिस मेडिसिन regularly for 5 days। Okay students, इस sentences को indirect कैसे बनाएंगे, the doctor said to Sheila take this medicine regularly for 5 days। तो यहाँ देखिएगा doctor और Sheila के बीच कौन सा sense निकलता है, doctor और Sheila के बीच sense निकलता है किसका, advised का। Okay, यदि doctor आपसे बात करेगा तो डॉक्टर हमेशा आपको एडवाइस देगा, यदि आप डॉक्टर से बात करेंगे तो आपके बीच में और डॉक्टर के बीच में जो सेंस होगा वो रिक्वेस्ट का होगा। ओके चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, द डॉक्टर एडवाइज्ड शीला, द डॉक्टर एडवाइज्ड शीला, टू कंजक्शन से स्टूडेंट्स सेंटेंस को प्लस किया हमने, टू टेक जिसका हो जाएगा स्टूडेंट्स डैट मेडिसिन रेगुलरली फॉर 5 days। ओके द डॉक्टर एडवाइज्ड शीला टू टेक that medicine regularly for 5 days। Okay students, तो ये तो थे कौन से sentence,
रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कौन से सेंटेंसेस की। रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे सेंटेंस जिसमें कि आपको डू नॉट मिलेगा। तो डू नॉट वाले सेंटेंसेस को कैसे बदलेंगे स्टूडेंट्स, उन्हें बदलना अभी सीखते हैं। Do not वाले वाक्य इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें भी said या said to के स्थान पर वही सेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके अब तक स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे थे, टू कंजक्शन से सेंटेंस को प्लस कर रहे थे। लेकिन अब हमें जितने भी सेंटेंस होंगे उनमें क्या मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच में, डू नॉट। तो जिन भी सेंटेंसेस में डू नॉट आपको मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच में, उन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट बनाते समय हमें क्या करना है, नॉट टू, नॉट टू से वाक्य को प्लस करना है, यानी कि नॉट टू से वाक्य को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं। For example, example में देख लेते हैं स्टूडेंट्स, the doctor said to, the doctor said to Rahul, don't eat oily food, don't eat oily food too much। Okay students, the doctor said to Rahul, Don't eat oily food too much। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस में क्या दिया है हमें, डोंट यानी कि डू नॉट। ओके, तो यहाँ भी देखिएगा डॉक्टर ने बातचीत किससे की, राहुल से, यानी कि डॉक्टर और राहुल के बीच कौन सा सेंस निकला, एडवाइज्ड का। ओके, द डॉक्टर advised Rahul। ओके, यहां देखिएगा do not सेंटेंस में आ गया। तो ऐसे जितने भी सेंटेंस जिसमें कि हमें रिपोर्टेड स्पीच में do not दिया होगा, उन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट बनाते समय किससे जोड़ देते हैं स्टूडेंट्स, नॉट टू से। ओके, do not का हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, नॉट टू, Not to eat oily food too much। Okay, understand? Okay students, agla sentence, my father said to me, do not go outside, do not go outside। ओके, देखिएगा इस सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, माय फादर सेट टू को बदला है स्टूडेंट्स किस में, अब देखिए माय फादर सेट टू मी डू नॉट गो आउटसाइड, है ना, मेरे पिता ने मुझसे कहा बाहर मत जाइए। तो वहाँ एडवाइस भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है। ओके, तो माय फादर
हम सबसे पहले क्या लगा देते हैं स्टूडेंट्स, एडवाइज्ड। माय फादर एडवाइज्ड मी, डू नॉट को किससे प्लस कर दिया, नॉट टू से, नॉट टू गो आउट साइड। ओके नेक्स्ट, द टीचर सेड टू, द टीचर सेड टू मोनिका, डोंट वेस्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप्स। ओके इसे कैसे चेंज करना है, द टीचर ऑर्डर्ड मोनिका, डोंट का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नॉट टू, नॉट टू वेस्ट योर को बदलेंगे मोनिका में, मोनिका कौन है स्टूडेंट्स, सी। ओके योर इज ए काइंड ऑफ सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, और जितने भी सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदले जाते हैं। योर को बदलेंगे सी में क्या आएगा, हर आएगा, हर टाइम इन आइडल गॉसिप्स। ओके स्टूडेंट्स, द टीचर ऑर्डर्ड मोनिका नॉट टू वेस्ट हर टाइम इन आइडल गॉसिप्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो थी आज की वीडियो की बात, जिसमें हमने सीखा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करना, जिसके अंतर्गत लेटस वाले वाक्य आज हमने आपको सिखाए, लेट वाले वाक्य आज हमने आपको सिखाए चेंज करना, ऐसे वाक्य जो कि रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब से स्टार्ट होते हैं ऐसे वाक्य भी आज आपको हमने सिखाए इस वीडियो में। ओके और ऐसे वाक्य जो कि रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट से स्टार्ट होते हैं ऐसे वाक्यों को भी कैसे चेंज करते हैं ये भी आपने आज इस वीडियो के माध्यम से सीखा। ओके स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अवश्य बताएं, वीडियो को ध्यान से देखें इस टॉपिक को समझने के लिए। यदि आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखोगे तब आप इस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी सेंटेंसेस को हम लोग चेंज करते हैं वो अच्छे से नहीं सीख पाओगे। जब तक वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक नहीं देखोगे। ओके स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी नियम यूज़ होते हैं वो सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आज भी कुछ नियमों के विषय में मैंने रिवाइज किया था कि पिछली वीडियो में मैंने आपको कौन कौन से नियम हैं जो कि चेंज करने में सहायक होते हैं उनके विषय में बताया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके तब तक आप इस वीडियो में जितना भी आपको सिलेबस बताया गया है उस सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और अपना अच्छे से ध्यान रखिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।